ये चाय आ गई अभी मेरी, तो अभी है गरम ये अजीम की चाय ये काशी भाई की चाय, वो सामने चाय बन रही है। जी दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने दोस्त की शॉप पे, तो ये कपड़े की शॉप है। दोस्त से पूछते हैं कि क्या सीन चल रहा है आजकल, बिजनेस का क्या हाल है। जैसा कि आपको पता है कि डॉलर कभी ऊपर चला जाता है, कभी उतार आ जाता है, कभी चढ़ाव आ जाता है, इससे सारे कारोबार बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। लोगों के पास पैसा नहीं है परचेजिंग के लिए। इनके बिजनेस की क्या सूरत हाल है, इनसे पता करते हैं। अजीम भाई जी सर, कितने अर्सा हो गया आपको दुकानदारी करते हुए? माशाल्लाह 20 साल हो गए। थोड़ा ऊंचा बोलना है आवाज़ के लिए, ठीक है? तो 20 साल पहले क्या सूरत हाल थी, आज क्या सूरत हाल है? साल पहले में और अपने जाहिर की बात है, साल में फर्क तो होगा ना। पहले काम अच्छा था, कब अच्छा है? अब की नस्बत पहले ज़्यादा बेहतर, पहले ज़्यादा बेहतर था काम। अब क्या मसला है? अब महंगाई बहुत हो गई है, गाह कम आते हैं, बहुत से खरीद कम हो गई है लोग। अच्छा, तो सस्ता होता था, ज़्यादा बिकता था, महंगा हो गया है, जो बनाने वो एक बनाएगा। ठीक हो गया। आप फ्यूचर क्या देखते हो इस बिजनेस का? फ्यूचर तो वो अब जाहिर सी बात है, सूट तो हर बंदे ने पहनने पहनने, काम तो इसी तरह चलता रहेगा। हाँ ये बात आपकी ठीक है, यानी कपड़े तो बंदे ने लेने लेने लेने, ये तो नहीं है बगैर रहेगा, तो चलते रहेगा। इनकी कीमतों में भी कोई इजाफा होगा कपड़ों में? हाँ कीमतों में जाहिर सी बात है, 300-400 रुपये में तकरीबन तकरीबन पर सूट पे बढ़ गए। 300-400 फिर ज़्यादा नहीं बढ़ा है ना? एक सूट जो 1000 का आता था वो अब 1400 का हो गया है, बड़ा तो है। 1000 पे सिलाई 2400 में बढ़ गया है, जो 1500 में बनता है। असल में सिलाई बढ़ गई है, सिलाई भी बढ़ गई है और यहाँ भी बढ़ गई है। पहले सिलाई थी 200-400, 400-500 में सूट सिल जाता था, वो 400 से बढ़ता बढ़ता अब 1000-1200 चले गई है। आप महंगाई तो जाहिर होगी है, लोगों ने जिसने 2-4 सूट लेने थे वो अब एक सूट लेते हैं, वो भी मजबूरन लेता है क्योंकि मजबूरी है। अगर आना जाना हो, फंक्शन हो, इस वजह से तो आमदन तो आपकी कम होगी, अखराजात तो आपके भी बढ़े क्योंकि महंगाई बढ़ी, फ्रूट का रेट बढ़ गया, दूध बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, हर चीज़ बढ़ गया। तो फिर आप कैसे मैनेज कर रहे हो? अल्लाह का शुक्र है सिस्टम चल ही जाता है, मतलब जैसे कोई ना कोई कस्टमर में भी इजाफा हो ही जाता है, आबादी भी बढ़ रही है आबादी के साथ। आपके पास कौन कौन सी वैरायटी के दूध पड़े हैं? हर किस्म का ब्रांड, पाशा, विंटेक, ग्लैमर, ग्लैमर, हर एक ब्रांड। बोस की भी पड़ी? हाँ वो तो फिर ऑलरेडी चलता है ना, लट्ठा बोस। बोस की कौन सी है आपके पास? 6 पाउंड 8 पाउंड। ये 6 पाउंड और 8 पाउंड वाली बोस की में क्या फ़र्क है? ये बारीक और मोटी का फर्क है। मेरा ख्याल 6 पाउंड वाली मोटी होती है, बारीक होती है। 8 पाउंड वो सर्दियों में चलती है, ये गर्मियों में चलती है। ये गर्मी सर्दी वाला सीन है। बोस की कहते हैं कि एक दफ़ा पहनने वाला सूट है, एक दफ़ा तो नहीं चलता रहता है। नहीं वो सूट एक दफ़ा पहन लो धो लो तो वो खराब हो जाता है, खराब तो सबसे महंगा चलता रहता है, आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 1 साल गुजार जाता है। अच्छा, ये दो घोड़ा बोस की क्या होती है? ये चाइना का एक लेबल कह लें आप, या तो ब्रांड लेबल कह लें दो घोड़ा का। अच्छा, और लट्ठे और काटन में क्या फर्क है? लट्ठा थोड़ा सा मोटा होता है, काटन थोड़ी सी बड़ी होती है। काटन 100% काटन होती है? 100% भी होती है, लट्ठी भी होती है, वैरायटी के हिसाब से होता है ना। ये दुकानें बंद की है सामने वाली, क्या सील होगी? वो पटवार खाने का और इनका केस चल रहा था। अच्छा, पटवार खाना जीत गया तो उन्होंने अपने कब्जे में। नहीं ये किसकी थी वो, बल्दिया की थी दुकान है? हाँ बल्दिया की थी और काब की। अच्छा, ये किसी बंदे ने अपने नए अंडर थी। अच्छा, 10 साल हो गए, 10-15 साल। अच्छा, तो केस ज़्यादा था अभी जीत गए पटवार खाने।
गवर्नमेंट अपनी तहवील में ले ली। हाँ गवर्नमेंट के अंदर है, अब इसकी निगरानी होगी। अच्छा फिर जो ज़्यादा पैसे देगा ज़्यादा किराया देगा। फिर ज़्यादा किराया देगा। ये लोकेशन तो अच्छी है, आपको ट्राई करना चाहिए। ये हमारी माशाल्लाह अच्छी है उससे बेस्ट है। मेरा ख्याल है कि अगर ये वाली दुकानें भी आप ले लो ना, जैसे ये सामने वाली दुकानें भी हैं, तो अगर ये वाली दुकान भी आप ले ले तो आमने सामने दोनों आपकी दुकानें होंगी। वो भी पैसे से ही होती है, जाहिर सी बात है, 1 करोड़ चाहिए। असल मसला ये है कि आजकल बिजनेस करने के लिए पैसा बहुत ज़्यादा है, जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा कमाएंगे। आप खुद स्टिचिंग करने वाले काम की तरफ नहीं है, यानी इसको बंदे रख के बंदा स्टिचिंग करवा ले? अलादा से हो जाता है स्टिचिंग का। अच्छा नहीं होगा? अच्छा तो है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ते बंदा करता करना है, चार भी थोड़ा 8 साल तो हो गए कब स्टार्ट करना है? अभी इस तरफ आए नहीं ना, अभी आएंगे इंशाल्लाह। 8 साल पहले भी मैं इसे मिला था तो यही कह रहा था, बस अब हम करने लगे हैं स्टार्ट, बस आज ही कर लेना है। ये सीन है। और वो जो मेडिकल रैप वाला आपने काम किया था, हाँ वो भी बीच में है, वो छोड़ दिया या अभी है? वो कुछ पे कर रहे हैं आपको? हाँ तो क्या करते हैं? 12-15 हज़ार। उसमें कुछ सेल वगैरह आपसे होती है या नहीं होती? सेल होती है तो देते हैं। अच्छा वो सिर्फ आपको कमीशन देते हैं, जॉब के पैसे नहीं देते? जो मर्जी कह दो, जॉब की कह दो, कमीशन नहीं, वो कंफर्म आपको देते हैं कि हर महीने हमने आपको इतने पैसे देने हैं, या फिर नहीं? वो सेल पे ही है। सेल पे? तो एजुकेशन आपने कहाँ से हासिल की? कितनी एमए किया आपने? ग्रेजुएशन? मास्टर। मास्टर किया है? मास्टर करके अब ना अच्छी जॉब मिल रही है, बिजनेस के हालात भी ख़राब है, और जो प्राइवेट मिली है उसका भी कोई हाल नहीं है। तो क्या सोचा है, क्या करना चाहिए? तीनों सेटअप सही कर रहे हैं माशाल्लाह उधर से भी इधर से भी। चलो भाई, अल्लाह आसानियाँ आपके लिए पता करे।